वेरी सैड। बोलो तो सही, सीए भी वापस लो। चलो चलो आ जाओ, चलो एक बार आ जाओ। बैनर वाले आ जाए, फिर बाकी पीछे रहो। अभी साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड बैनर से हो जाए। भाई कोई भाई किसी किस्म का नारा नहीं होगा। खामोशी। जब मैं कहूंगा तुम नारा लगाना, अगर तुम्हें नारा लगाना है तो बिल्कुल ऐलान नारे का नहीं है, ना नारा लगाएंगे। तुम मैं कहूँ तब लगाना है। बेटे ये शोक का विषय है, शोक का, गम का। इसलिए गम में कोई उछल कूद नहीं है, ना कोई नारा है। गम का माहौल है, भाई साथी जैसे इशारा किया जाए वैसे करे काम। ये मुजाहिरा नहीं, ये खामोश पुर अमन एहतजाज है। मुजाहिरा नहीं, ये थे यहाँ तक चल कर भी आ गए, वरना हमें तो ये हुक्म है पीछे से हमारे जमीयत के कायद मौलाना सैयद महमूद मदनी दामद बरकात, तुमने ऐलान फरमाया है कि ये एक शोक के तरीके पर काली पट्टी बांध करके बाजू पर आप देख रहे हैं, बाजू पर भी माथे पर भी। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये बिल जो पास हुआ है सीएबी, हम इसकी चूँकि हिंदुस्तान कानून टूटा है, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मज़हब की बुनियाद पर कोई कानून बनाया जा रहा है, हम इसको बना नहीं करते। सेबी मत लाओ, लाओ शरीयत दो, लेकिन शरीयत इंसानियत की बुनियाद पर होनी चाहिए, मज़हब की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ है, इसीलिए जमीयत ने आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह ये हम अमन एहतजाज कर रहे हैं। कहाँ तक जाएगा ये? कहीं तक नहीं, सिर्फ ये तो यहीं तक महदूद है, और सिर्फ ये आपको दिखाना मकसद है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। मौलाना साहब, ये जो आपका एहतजाज जारी है जी, तो आपका ये तो जाहिर सी बात है कि सीबीए के ऊपर ये है, आपका उसका विरोध कर रहे हैं जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस विरोध से कामयाबी हासिल हो सकती है? देखिए बिल्कुल होगी। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे ये भी है कि जो नुमाइंदे आपने चुनकर भेजे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, वे क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए वो भी हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं, वो भी हमारे साथ हैं। सर कोई सी पार्टी नजर नहीं आ रही कहीं भी बोलती हुई? देखिए चुनाव चुनाव करीब आ रहा है सर, आप इसमें क्या एक्शन लेंगे? देखिए हम सियासी बात नहीं करते हैं, ना हम कांग्रेस की बात करते हैं, ना हम आपकी बात करते हैं, ना हम किसी और की बात करते हैं। आपकी जमातुलमा इसमें क्या रोल निभा रही है? जमातुलमा की कोई सियासी पार्टी नहीं, मिल्लत की रहनुमाई करने वाली पार्टी है, वो आवाज़ उठा रही है, उसने हमें हुक्म दिया है तो हम उसके खादिम हैं। और यही वो जमात है जिसकी कुर्बानियाँ मुल्क की आज़ादी में, जो अंग्रेज़ों से लड़ाई करके मुल्क को आज़ाद कराया है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इसी जमात ने दी हैं। किसी जमात ने कुर्बानी इतनी दी भी नहीं है, ना किसी कौम ने इतनी कुर्बानी दी है। यहाँ पर मौजूद मौलाना मोहम्मद शकील साहब मौजूद है हमारे, एक आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, पॉलिटिक्स का कोई मामला नहीं है। हाँ भाई खामोश रहे साथी, पॉलिटिशियन का कोई रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको ये सब एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये आवाम का प्रोग्राम है, हिंदुस्तान की जो आवाम है उसके लिए प्रोग्राम जमीयत ने रखा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये सीएबी है तो इसका जो ये सीएबी का मतलब क्या है, कोई ये ना सोचे ये खाली मुसलमानों के लिए है, ये हमारे हिंदू भाई भी इससे बहुत परेशान है, और मुसलमानों से ज्यादा इसका कोई अगर विरोध कर रहा है वो हिंदू भाई कर रहा है। आप जाके देखे इस टाइम गुवाहाटी के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, 3 आदमी वहां मर चुके हैं, एनडीटी आसाम के अंदर बुरा हाल है, मिजोरम के अंदर बुरा हाल है, सिक्किम के अंदर बुरा हाल है। आपके खिलाफ अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलेगा आप गोली मारेंगे, लाठी मारेंगे,
आप जीडीपी की बात नहीं करेंगे, आप कारोबार की बात नहीं करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, आप हमें इन सब चीजों में उलझा के रखना चाहते हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है पूरे देश का, मीडिया पूरी तरह बिक चुका है, मीडिया जो है गवर्नमेंट को चला रहा है, गवर्नमेंट मीडिया को नहीं चला रही है। बहुत ज्यादा बुरा हाल है इस टाइम देश का हमारे। शकील भाई जो आपको बता दूं मैं, सीएबी जी क्या है, आपने एक चीज सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं रिफ्यूजी कैंप। डॉक्टर साहब आराम से, रिफ्यूजी कैंप होता है 200 लोगों पे एक टॉयलेट होता है। इसमें इन्होंने क्या करा है, आप किसी धर्म के नाम पे कोई हिंदुस्तान के अंदर आज तक कानून नहीं बनाए, संविधान आप उठा के देख लीजिए। हम लोग गोरसे की विचारधारा पे चलना चाहते हैं क्या? नहीं, हम गांधी जी की विचारधारा पे चलना चाहते हैं, हम बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा पे चलना चाहते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है ये किसकी विचारधारा को लेकर चलना चाहती है, क्या ये हमें बताएंगे? आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर क्या कहते हैं आप कि हिंदू सिख ईसाई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आपने मुसलमानों का नाम कैसे नहीं लिया और फिर आप वहां पे बैठ के कह रहे हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गूंगी बींगी जो गवर्नमेंट है कि ये मुसलमान नहीं, आप तो हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं डरता। अर्ज करना चाहता हूँ फिर दोबारा, हमारे हाजी सलीम साहब है अहम इलाके के जिम्मेदार, हमारे इलाके के जिम्मेदार है। हम फिर कहना चाहते हैं कि हमारा पुरअमन और खामोश एहतजाज है। हम तो एक मरतबा आपसे फिर दरख्वास्त करेंगे कि हमारे इस नजरिए को पेश करें कि हमने अपने कायद की रहनुमाई में जो ये एहतजाज रखा है पुरअमन है और खामोश एहतजाज है हमारा। मैं गुजारिश करूंगा एक मिनट के लिए, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मौलाना शकील साहब हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं डॉक्टर इकबाल, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने और सब ने मिलकर कुर्बानी दी, और उस कुर्बानी का नतीजा हुआ कि सन 1947 में हम आज़ाद हुए, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा वो सेकुलर संविधान था। आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम सेकुलर के साथ हैं, ये संविधान को तोड़ बरोड़ कर संविधान की मुखालफत के खिलाफ ये काम हुआ जा रहा है, सीएबी लागू किया गया है, ये सीएबी बिल्कुल खराब है, सीएबी को वापस देना पीछे चलो चलो सामने खड़े जाए चबूतरे पे ऊपर जी, चलो मैं भी वही खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। मुझे चढ़ा के जाना करना, बुढ़ा आदमी वैसे। इधर आ जाओ ना इमाम साहब, इधर भी दो पिछड़ पिछड़ जी। चलो चलो नवीन अख्तर साहब किधर हैं, मौलाना शकील साहब, हाँ जी नवीन अख्तर साहब इधर आ जाए। देखिए अब बोलना कुछ नहीं है, बयान करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, सिर्फ एक सोशल मीडिया पर चूंकि ये बात पहुंचनी है तो जो पुरअमन की बात है वो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ से अपना है, हम शुरू और ख़त्म भी यहीं से करते हैं। एक मरतबा कहाँ है हमारे भैया, झंडे बंडे आगे से यहाँ से हटा दो नीचे। सिर्फ दो मिनट के लिए आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा, उम्मुल किताब सूरतुल फातिहा अपने मन मन में पढ़ें, नज़र झुका करके, यही काफ़ी होगा इंशाअल्लाह। मैंने एक मरतबा भाई है तो बेअदबी उलमा के दरमियान बोल रहा हूँ, जमील अख्तर साहब ने रास्ते से गुजरते हुए एक जगह देखा, पत्थर लगा देते हैं जैसे ये है हमारा मुतालबा, इस तरह के पत्थर लगे हुए थे कब्र पर रास्ते पर, एक नज़र इधर भी तो इंसान देखता कि क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा देखा था वो जाने वाले रुक जरा कुछ पढ़ खुदा के वास्ते, वो जाने वाले
रुक जरा कुछ पढ़ खुदा के वास्ते, तू भी कल मोहताज होगा फातिहा के वास्ते। तो फातिहा मेरी जबान पर आई, कुल हुवल्लाहु अहद जो चाहे पढ़ लें सर झुका करके, यही हमारा काफ़ी होगा कि हमारी जमीयत ने हमसे जो मुतालबा किया है हम जमीयत के साथ हैं, और शाना बशाना हम जमीयत उलमाए हिंद के साथ हम जो भी वो आवाज़ उठाएगी हम उस पर लब्बैक कहते हुए हाजिर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। बस सर झुकाएं एक बार और पढ़ें। سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। मैं देख रहा हूँ हमारे दरमियान में बहुत ही बरगुजीरा शख्सियत, बहुत अल्लाह वाले भी हैं कही गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनकी दुआओं से, इनके पढ़ने से इंशाल्लाह हमारा ये एहतजाज कारगर होगा और अपनी कामयाबी को पहुँचेगा इंशाल्लाह। मदीना मस्जिद के पीछे हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो आज जुमे के दिन का ऐलान हुआ था कि शांति प्रदर्शन करना है, जो ये अभी पार्लियामेंट में बिल पास हुआ एनआरसी का, उस संबंध में यहाँ पर कुछ लोग अपनी बात कहना चाहते हैं। सामने सबसे पहले बोलिए साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुस्तफ़ाबाद के आवाम बारिश के में इलाके के हजरात मुआज़्ज़ज़ हजरात हुकूमत से इतने मुतालबा करने के लिए जमा हुए हैं कि हुकूमत ने जो नया बिल केब के नाम से बनाया और इसको पास किया है, इसको वापस लेना चाहिए। और हुकूमत से इतना मुतालबा है कि हुकूमत हमारे साथ सोतेला व्यवहार न करे। जिस तरह हुकूमत की जिम्मेदारी है मुल्क में बसने वाले हर बाशिंदे की मुकम्मल हिफाजत करना, वो मजहब के नाम पर ना हो, वो इंसानियत के नाम पर हो, इसी बात को लेकर हम यहाँ जमा हुए। आपका नाम एक बार और? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है जी। दो अल्फाज आप भी करें जी। जो कहा गया बिल्कुल सही है। देखिए हम बिल के खिलाफ हैं और इसमें जो संशोधन करके इसको तरमीम करके किया गया है जो 70 सालों में पहले नहीं हुआ, गोया कि एक चोर दरवाज़ा खुला है। अब ये हुआ है कल को दूसरा होगा, हम इसके खिलाफ हैं और ये हमारा पुरअमन और खामोश एहतजाज है, इसमें कोई किसी का शोर शराबा नहीं है। जनाब सलीम भाई भी दो सब ज़्यादा नहीं बोले। जैसे हमारे इमाम साहब ने कहा अभी कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम जो ये सीएबी का बिल है इसके खिलाफ है। तो हमारी एक गवर्नमेंट से दरख्वास्त है ये सीएबी जो और एनआरसी जो लागू हो रही है इसको वापस लें और सारी आवाम को एक ही नज़र से देखे, एक ही आंख से देखे, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करा जाए, ये हमारी गवर्नमेंट से परखलूस दरख्वास्त है। शुक्रिया जी। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सरकार जी आज 6 साल पूरे हो गए हैं, पहले हमारे बीच में लेकर गया। मैं आपका पहले इंट्रोडक्शन चाहूंगा जी। मेरा नाम डॉक्टर जावेद हबीब है। कहां से हैं आप? मैं मॉडल टाउन से जी। फिलहाल मुस्तफाबाद से? कहां से आप? मॉडल टाउन से। मॉडल टाउन से दिल्ली। यहां पे क्यों आए थे आप जी? यहां पे क्योंकि हमारी अक्सरियत यहां पे है और हमारे भाई लोग जो है जो सोए पड़े हुए, हमें कोशिश हमारी कोशिश है कि थोड़ी सी इन लोगों को जगाया जाए जी। एनआरसी हम इन लोगों के बीच में 4 दिन से काम कर रहे हैं जिसी एनआरसी को लेकर के। थोड़े से मैं एनआरसी को पर आपको रोशनी डालूं कि अभी इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया था एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन बिल जो है इन्होंने एक इम्प्लीमेंट किया था आसाम के ऊपर। इनको गलत फहमी थी कि हम क्योंकि बांग्लादेश से 1971 में जो लोग आए हुए हैं, शॉर्ट में बोलेंगे जो उन्हें 1971 में बांग्लादेश से लोग आए हुए, तो इनको लगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में मुसलमान होंगे। इन्होंने एनआरसी को लागू किया आसाम के अंदर और जब वहां पे 19 लाख लोग इसमें एनआरसी से बाहर निकल गए तब इनको पता चला कि उसमें 14 लाख तो गैर मुस्लिम है और 5 लाख मुसलमान इसमें सिर्फ बचे। उसके बाद फिर 14 लाख बचे गए, इसको फिर इन्होंने हिंदुस्तान का नागरिकता देने के लिए ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल यानी कि उस बिल को फिर से इन्होंने रिव्यू करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास किया जो सीएबी के नाम यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल लागू किया और ये परसों ये बिल पास भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है तो 14 लाख लोगों को नागरिकता हिंदुस्तान की दे रहे हैं, उसके बाद फिर वही जो 5 लाख मुसलमान सिर्फ बच गए उसको तो फिर आपने हिंदुस्तान से बाहर रखने की या फिर उसको एक कैदखाने में डालने की पूरी तरह से तैयारी कर ली। उलेमाए हिंद, ये जमीत उलेमाए हिंद का जो प्रोग्राम दिल्ली मुस्तफ़ाबाद की मदीना मस्जिद के पीछे की साइड में किया गया, ये सामने तख्तियों पर लिखे हुए इसमें सारी मेहनत
हमारे मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब ने की और उन्होंने ही इसमें बहुत ही शांति के साथ नियुक्त प्रदर्शन किया। ये सब क्षेत्रवासियों के दिल में उनके